चैप्टर टू ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए आज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। देखेंगे इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। तो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपकी जो प्लैनेट है अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। तो ये जो है लाइक दिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो है फ्लैटेंड है, चपटा है। एंड कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो आप बता सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो आप अगर आपको इमेजिन करना है तो अगर आपको इसको देखना है तो आप क्लासरूम में देख सकते हैं, है ना, और आइडिया लगा सकते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ फिगर 2.1। तो ग्लोब लाइक दिस ऐसा होता है ना, एक ट्रू मॉडल है, बिल्कुल अर्थ के जैसा ही लगता है। ग्लोब मे बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड विथ ईज। तो देखेंगे ग्लोब्स जो हैं उसके साइजेस अलग अलग होते हैं, टाइप्स अलग अलग होते हैं। बड़े ग्लोब देख सकते हैं आप तो विच कैन नॉट बी कैरीड ईजिली, उनको आप कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं आसानी से क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, छोटे छोटे ग्लोब्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे स्टेशनरी शॉप पर। और ग्लोब लाइक बैलून्स, बैलून्स वाले भी होते हैं जिनको आप इन्फ्लेट करके फुला के वो बिल्कुल ग्लोब के जैसे लगते हैं और आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड कैरीड आउट विद ईज, आसानी से आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, ग्लोब जो है फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। तो ये फिक्स नहीं है, ये जो है घूमता है, है ना, जैसे कि आप टॉप स्पिन आप वो देख सकते हैं, लट्टू जैसे लट्टू घूमता है, रोटेट करता है। एंड पॉटर्स जो है, पॉटर्स का जो व्हील होता है ना, कुमार का जो चाक होता है जिससे कि वो सारे अर्दन पॉट्स बनाता है, वो भी जैसे कि घूमता है, वैसे ही लाइक ये भी ग्लोब जो है वो घूमता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब्स पर आप देख सकते हैं, ग्लोब पर कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो है वो दिखाए जाते हैं उनके साइज में, है ना, उनके साइज के साथ। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो आप देख सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। तो आप मतलब जो है बड़ी ही डिफ़िकल्ट होगा ये कि अगर आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताएंगे, है ना, किसी भी स्फीयर पे अर्थ जैसी, तो जो है काफ़ी वो होता है, डिफ़िकल्ट हो पाएगा, है ना। आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हैं किसी भी प्लेस की, जगह की ऑन द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो आप ये क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे बता सकते हैं प्लेस जो है, तो कैसे लोकेट कर सकते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसे लाइन्स की जरूरत पड़ती हैं, कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती हैं जिनकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ प्लेसेस। तो यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो आप देखेंगे कि निडल जो है एक फिक्स रहती है ग्लोब पर टिल्टेड मैनर, यानी कि यहाँ आप देखेंगे, ये देखो ये टिल्टेड है आपकी अर्थ, है ना, मतलब कि थोड़ी झुकी हुई है। और आप देखेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर यहाँ एंड यहाँ ये जो एक्सेस आपकी दिख रही है, निडल दिख रही है, है ना, तो ये जो है दोनों पॉइंट्स पर होती है और इसी को एक्सेस बोलते हैं। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू द विच द निडल पासिस आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, जहाँ से ये पॉइंट जो निडल जो है निकल रही है, जा रही है, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जाती है, तो यही जो है पोल्स कहलाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो टॉप पर है वो नॉर्थ पोल एंड जो बॉटम में है जो साउथ पोल, है ना। तो देखेंगे द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो देखेंगे जो ग्लोब जो है वो भी ऐसे ही रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपकी अर्थ भी जो है वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है ना, तो ये आप रिमेंबर दैट। बट रिमेंबर दिस इज देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन कुछ डिफरेंस है ग्लोब में और अर्थ में। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, जो अर्थ रियल में है ऐसी, अपनी जो अर्थ प्लानट है उसके पास ऐसी कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो अपन ने एक्सिस को एक इमेजिनरी लाइन अपने कन्विंस के लिए, अपने सुविधा के लिए अपन ने उसको यूज किया है ना,
है ना, टू बेट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो वैसे कोई सच में ऐसे ही रियल में कोई भी मतलब कि एक्सेस ऐसी है नहीं, ऐसी कोई निडल है नहीं, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इन टू टू इक्वल पार्ट्स, और एक और अदर इमेजिनरी लाइन अपन ने ले ली है जिससे क्या है कि अर्थ जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, तो इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दन हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हाफ जो है आप देखेंगे ये जो ग्लोब ले लिया आपने, तो ये जो है इक्वेटर है, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और यहाँ का पार्ट हो गया वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, बिकॉज टॉप में जो होता है वो नॉर्थ होता है डायरेक्शन एंड बॉटम में जो होती है डायरेक्शन वो साउथ होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो आप समझ चुके होंगे। दे आर बोथ देखते हैं अंदर नेक्स्ट पेज, इक्वल हाफ्स। तो ये दोनों जो मैंने अभी बताए वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, है ना, सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर लाइन है, या जाहिर सी बात है ये सर्कुलर लाइन ही है ये जो इक्वेटर जा रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, ये पीछे से भी है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं इक्वेटर लाइन ऐसे पीछे को भी गई है। तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, ठीक है, फॉर टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, है ना, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए अर्थ पर। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। सो ये सारे इसके पैरेलल जितने भी आप देख रहे हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल्स जितने भी लेटिट्यूड्स हैं, तो इन्हें आप पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स बोलते हैं। लेटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, तो ये जो है डिग्रीज में आप इनको मेजर करते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री एंड इसके अब आप नॉर्थ में जाएंगे तो 20 डिग्री N, 40 डिग्री N, 60 डिग्री N, 80 डिग्री N एंड नॉर्थ पोल आ गया आपका ना। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटिट्यूड, जो इक्वेटर है तो आपका वो जो है 0 डिग्री बताता है, जैसे अभी मैंने बताया। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, तो आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल्स की, दोनों पोल्स जो हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ना, तो आप देखेंगे इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इक्वेटर, तो कहाँ थे अपन, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल आप देखेंगे एक सर्कल जो होता है, तो आप देखेंगे एक सर्कल उसकी मेजरमेंट आप अगर लेंगे तो वो 360 डिग्री का होता है सर्कल कंप्लीट, तो इसका जो है 1/4 है वो, है ना, अगर आप इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे पोल्स की तो 360 डिग्री का 1/4 है पोल्स की वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग, तो 90 डिग्री आएगा आपका। तो ये जो वैल्यू है 90 डिग्री, तो देखेंगे इट विल मेज़र 1/4 ऑफ 360 डिग्री दैट इज़ 90 डिग्री, तो अभी अपन ने निकाला 90 डिग्री जो है नॉर्थ पोल की वैल्यू हो जाएगी एंड 90 डिग्री जो है वो साउथ पोल की वैल्यू हो जाएगी। तो दस 90 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लेटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। एंड एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थन लेटिट्यूड नॉर्थ लेटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटिट्यूड्स, तो जितने भी सारे पैरेलल्स हैं जो नॉर्थ को जाएंगे इक्वेटर से तो वो नॉर्थ लेटिट्यूड्स हो जाएंगे, और जो बॉटम में जाएंगे साउथ में वो साउथ लेटिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे द वैल्यू ऑफ ईच लेटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, तो आप देखेंगे इनकी वैल्यूज़ भी इसी से डिसाइड होती है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से तो वो नॉर्थ बोलेंगे अपन उनको, है ना, यहाँ दिया गया है। अगर वो नीचे जा रहे हैं तो वो साउथ बोलेंगे अपन उन्हें, ठीक है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस, तो ये जो इंडिकेट अपन इन्हें करते हैं एन और एस से, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझें कि एक चंद्रपुर है, जगह का नाम है महाराष्ट्र में इंडिया में, और एक बेलो हॉरिजॉन्ट है ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में, वो दोनों ही जो है 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हैं, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन जो आपका चंद्रपुर है महाराष्ट्र, है ना, ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, और ये जो है ब्राज़ील में जो है बेलो हॉरिजॉन्ट ये 20 डिग्री साउथ में है। तो यहाँ से आप ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, नॉर्थ एंड साउथ के कंपैरिजन में। तो देखेंगे
वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो ओरिजिन इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड. वी सी इन फिगर 2.2 दैट वी दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस. तो 2.2 में दिया है लैटिट्यूड ऐसे होते हैं इक्वेटर से ये ऊपर और नीचे, और जैसे ही जैसे आप पोल्स तक पहुँचते जाते हैं है ना, जैसे जैसे आप ये इक्वेटर आगे जाते जाएंगे ऐसे और आगे जाते जाएंगे तो ये पोल्स तक आप देखेंगे इनकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है ना, कम होती जाती है, इनका साइज जो है कम होता जाता है. तो देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे है ना, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट से अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.